पौड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, उपनेता सदन भुवन कापड़ी, अंकिता भंडारी के गांव श्रीकोट पहुंचे, जहां उन्होंने मृतका अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने कहा, इस दुख की घड़ी में प्रदेश ही नहीं पूरा देश उनके साथ खड़ा है। निष्पक्ष जांच कर जल्द आरोपियों को सजा दिलाई जा सके, इसको लेकर परिवार के साथ खड़े। तो वहीं अंकिता के पिता और भाई से बात करते हुए उन्होंने ग्रामीणों और परिवारों की मांग पर कहा, मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाते हुए सरकार को जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि पीड़ित परिवार को जल्द इंसाफ मिल सके। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। सिर्फ एक अंकिता नहीं, पूरे पहाड़ की हमारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। तो पढ़ लिख कर अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए नौकरी करने के लिए जा रही, क्या वो सुरक्षित है? पहले तो पहाड़ का आदमी जंगलों में रहा, जहाँ शेर और भालू का डर रहता है, लेकिन यहाँ इंसानी रूपी जो भेड़िए घूम रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।